और मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर भाजपा को बहुमत मिल जाता महाराष्ट्र में तब तो सारी बहस खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ सीटें रह जाती हैं तो फिर किंग मेकर की भूमिका में कौन होगा, शिवसेना या एनसीपी या फिर निर्दलीय? क्या लगता है, ये बहस वहां भी चल रही है? अगर चल रही है तो इशारा किस तरफ है? देखिए ओपी, चौतरफा मुकाबला हुआ था, हम लोगों ने देखा था। इससे पहले कि मैं आपको जो सवाल आपने किया है उसका जवाब दूं, एक चीज़ मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने लोकसभा में देखा था, जो 6 सीटें थी, चाहे वो पूनम महाजन हो, चाहे वो गोपाल सिटी हो, गजानन कृतिकार हो, राहुल चेवाले हो, या जो कुल मिला के किट सोमैया को ले लीजिए, जो 6 सीटें थी मुंबई की, वो पूरी तरह बीजेपी और शिवसेना के खाते में गई थी। अब ये कहा जा रहा था, नरेंद्र मोदी ने 27 रैलियों को संबोधित किया था महाराष्ट्र में। जब अंतिम रैली उनकी हुई थी बोरीवली में 12 अक्टूबर को जब रैली थी, तो उन्होंने रैली के अंत में बहुत जोरदार अपील की थी मतदाताओं से कि आप बड़ी संख्या में निकले और अपना मतदान, जो आपका जो अधिकार है उसका प्रयोग करें। अब जब मैंडेट आने वाला है तो इसमें दो बातें हैं। पहला, जैसा कि आपने कहा कि किंग मेकर में किसकी भूमिका होगी, किंग मेकर में स्पष्ट रूप से निर्दलीय की भूमिका होगी, क्योंकि एनसीपी का बयान आज ही आया है कि एनसीपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में आएगी। लेकिन उसके बाद शाम में 4 बजे प्रेस वार्ता हुई है बीजेपी की, तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि बीजेपी एनसीपी के साथ नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे जो निर्दलीय होंगे उन पे अब पूरा दारोमदार होगा कि जो महाराष्ट्र की सत्ता है, जो महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन, जो जैसा कि सर्वे में दिखाया जा रहा है वो होगा, तो इसमें निश्चित तौर पर निर्दलीय की निर्णायक भूमिका होगी। ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। शिखर जी, इस पे क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे, एनसीपी, कांग्रेस, भाजपा या शिवसेना इस पे? देखिए, एक तो कॉमन चीज हम देख रहे हैं एग्जिट पोल में कि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि जो कोलिशन पार्टनर्स रहे अभी एनसीपी या कांग्रेस, उनकी कोई ज़्यादा कोई फाइट बैक करने की ताकत है, ये कोई नहीं कह रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, शिवसेना और एमएनएस दोनों में अगर आप देखेंगे, शिवसेना आगे है लेकिन बीजेपी के बाद, ये भी एक कॉमन सब में ये आ रहा है आप। ठीक है। और तीसरी बात जो है सवाल, ये जो एग्जिट पोल में फ़र्क यही है कि एक ये क्या दो कह रहे हैं कि उनकी बड़ा कंफर्टेबल मेजोरिटी होगी, और कह रहे हैं कि सहयोगी की जरूरत, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो इसीलिए एक तो वो सिंगल लार्जेस्ट के पार्टी के रूप में आएंगे, इसमें तो कहीं भी आपको डाउट नहीं है, ठीक है, वो महाराष्ट्र या हरियाणा में। लेकिन सवाल है, जो बड़ा सवाल होगा कि अगर इनकी संख्या कम पड़ती है, यानी 145 से कम है, तो उसकी क्या समीकरण बनेगी, किससे करेंगे, क्या शिवसेना इतना कैंपेन के समय जिस तरह की बयानबाजी हुई है उसके बाद क्या दिखा रही थी, वो कैसे फिर वापस आके कैसे करेंगे? ठीक है। और शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी, इस बार जिस तरह चैलेंज फेस किए, मुझे नहीं लगता पिछले 10 साल में इस तरह, क्योंकि बारामती जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बड़ा नेता कभी शरद पवार के पार्टी के खिलाफ या उनके खिलाफ कभी कैंपेन हुआ? ठीक है। लास्ट कैंपेन की बात की जा रही है जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, वो गए थे। ठीक है। तो उसके बाद इस तरह कैंपेन हो रहा है, तो एनसीपी का क्या बनेगा? क्योंकि ये दो पार्टी, तीन पार्टीज में मानता हूं कि फ्यूचर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। एक है शिवसेना, दूसरा एमएनएस और तीसरा एनसीपी। और कांग्रेस का भी बड़ा सवाल आएगा, क्योंकि जिस तरह पृथ्वीराज चौहान की स्टेटमेंट्स को लेकर जे कल भी उन्होंने इंटरव्यू दिए जी, बिल्कुल, तो ये सारे चीजें, इन पार्टीज की क्या फ्यूचर रहे, क्योंकि मुझे लगता है इस चुनाव के बाद भी बीजेपी का वहां कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बिल्कुल। योगेश, ये सवाल अगर दूसरे तरीके से पूछे, आपको लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने, जब शिवसेना पे उसने सीधे तौर पे हमला करने से मना किया था चुनावी कैंपेन में, हमने देखा था एक विंडो कम से कम खुला हुआ था, लेकिन शिवसेना ने ऐसे तमाम विंडो खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, क्या लगता है किस तरह के संकेत शिवसेना अब दे रही है? देखिए, इसमें एक चीज़ है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन टूटते हमने देखा था, जो दो सबसे बड़े गठबंधन थे महाराष्ट्र में, चाहे वो बीजेपी शिवसेना का हो, चाहे वो कांग्रेस एनसीपी का हो, वो जिस तरह से टूटा था, उस दिन कई लोगों से हमने बात की थी, इस पे इस गठबंधन का टूटना एक तरह से मनोवैज्ञानिक असर पड़ा था यहाँ के लोगों पर। अलग अलग अगर कंस्टिट्यूएंसी आप ले लें, चाहे नॉर्थ सेंट्रल को ले लें, चाहे साउथ मुंबई को ले लें, तो हर जगह हमने लोगों से बात की थी, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा था, और एक तरह से जिस तरह कहते हैं कि मोह भंग होना, वो हुआ था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बीजेपी, आप इसको एक
राजनीतिक चाल भी कह सकते हैं या एक पार्टी की आइडियोलॉजी इसको कह सकते हैं, जिस तरह से बीजेपी ने ये रुख रखा था कि वो सीधे आमने सामने की टक्कर नहीं देगी शिवसेना को, उस तरह की जो बयानबाजी आमतौर पर काउंटर होती है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो नहीं होगा, इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना का हमने अंतिम समय में देखा, सामना में जिस तरह के लेख प्रकाशित हुए थे जिसकी कई जगह आलोचना की गई, इसका सीधा सा नकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ा। और निश्चित तौर पर एक जिसको बोलते हैं कि एक वर्ग ऐसा था मतदाताओं के बीच में जो बीजेपी की तरफ एट द 11th आवर में अंतिम समय में शिफ्ट हुआ, निश्चित तौर पे जो अभी जो सर्वे के जो परिणाम आ रहे हैं वो इससे कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, क्योंकि इसकी कोई खास वजह नहीं थी शिवसेना की, यहाँ की शिवसेना यहाँ की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद जो गलती शिवसेना से हुई या कथित रूप से आप कह सकते हैं जो गलती हुई उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिल्कुल, काफी रोचक बात कि आखिरी समय में जो वोट शिफ्ट हुआ है, क्या वो शिवसेना के एग्रेशन, वो जो आक्रामकता थी उसका क्या कोई कारण इस तरह का रहा है, इस पर भी हम चर्चा करें और चर्चा करेंगे कि जो कैंपेन जिस तरह से चला क्या क्या खास बातें थी, इस पर भी बात करेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।